हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी इग्निस डेल्टा वेरिएंट का। तो इसी का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में, जानेंगे इसके फीचर्स और ऑन रोड प्राइस के बारे में। इसमें जो वेरिएंट आते हैं वो जान लेते हैं। सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा इसका टॉप वेरियंट है जिसका रिव्यू करेंगे। ये डेल्टा वेरियंट है। इसमें आपको फ्रंट में हेलोजन हेडलैम्प दिए गए, साथ में इंडिकेटर और सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। फॉग लैंप नहीं मिलते, आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। एस्का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ, यू शेप में आपको क्रोम ग्रीन मिल जाएगी और बम्परों पे आपको सिल्वर फिनिश जो कि आप देख ही रहे हैं मिलती है। बात करेंगे व्हीलों की, तो इसमें आपको सिल्वर व्हील कवर दिए गए हैं, देख रहे हैं आप। और व्हील जो दिए गए हैं आपको 175, 65 और 15 इंचिस के व्हील मिल जाते हैं सिल्वर व्हील कवर के साथ। कंपनी फिटेड है ये व्हील कवर। ये साइड प्रोफाइल है गाड़ी की, साइड प्रोफाइल से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में, देख रहे हैं आप। तो इसमें आपको देखिए साइड मिरर पे टर्न इंडिकेटर इसके दिए गए हैं। और ये डेल्टा वेरिएंट है। अगर आप सिग्मा वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको व्हील कवर नहीं मिलते कंपनी फिटेड। और अगर आप जीटा वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको अलाय व्हील मिलते हैं और अल्फ़ा वेरिएंट में भी अलाय व्हील मिलेंगे। ये रियर प्रोफाइल है गाड़ी की। इसमें आपको देखिए रूफ पैंटीना, हाई माउंट स्टॉप लैंप, स्पॉइलर दिए गए हैं और एस्का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ मिल जाएगा। इग्निस की बैजिंग दी गई है और चार पार्किंग सेंसर, दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं रियर के बम्परों पे। सिल्वर फिनिश भी दी गई है, सिल्वर फिनिश देख रहे हैं आप रियर के बम्परों पे जो कि मिल जाती है। नेक्सा का स्टिकर मिल जाएगा। टेल लैंप आपने देखी, 32 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, यहाँ से फ्यूल भरवाएंगे। और रूफ़ के ऊपर आपको दो सिल्वर कलर की रूफ़ रेल दी गई है, तो इसमें दो रूफ़ रेल मिलेगी सिल्वर कलर की। ये साइड प्रोफाइल आप देख रहे हैं, दूसरी साइड की प्रोफाइल है ये गाड़ी की। तो दूसरी साइड से भी काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। देखिए डोर हैंडल आपको बॉडी कलर ही दिए गए हैं इसमें। और क्लाइडिंग दी गई है जो कि आपकी गाड़ी को स्क्रैचेस से सेफ रखेगी, तो उसके लिए क्लाइडिंग दे दी गई है। चारों तरफ गाड़ी के आपको क्लाइडिंग मिल जाती है ब्लैक कलर में, तो इससे गाड़ी सेफ रहती है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगते गाड़ी में। इसमें आपको देखिए क्लाइडिंग जो दी गई है पूरी शुरू से लेके एंड तक मिल जाती है पूरी क्लाइडिंग। और इसमें आपको जीटा और अल्फ़ा में अलाय व्हील मिलते हैं। अगर आप इसका जीटा या अल्फ़ा वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको अलाय व्हील मिलेंगे। अल्फ़ा इसका टॉप वेरिएंट है। चलते हैं फ्रंट डोर के इंटीरियर में। तो इसमें आपको देखिए इनसाइड हैंडल क्रोम पे दिए गए हैं और इसमें आपको चारों डोर पावर विंडो दिए गए हैं इसमें ऑटो के साथ, जिसमें कि लॉक अनलॉक शीशों को भी लॉक कर सकते हैं। साइड मिरर को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं और बॉडी कलर आपको इनसाइड हैंडल मिल जाते हैं। वो यहाँ पे आपको स्पीकर दिया गया है, बोट लगने का स्पेस भी दिया गया है। ये ड्राइवर सीट है, ओनली बैक एडजस्ट मिलेगी, हाइट एडजस्ट नहीं मिलेगी। राइट साइड में एसी वेंट्स दिए गए हैं और ट्रिप के इन्फो के स्विचेस मिल जाते हैं राइट साइड में ही। यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलिंग के कंट्रोल्स दोनों की रिमोट दी गई है, देख रहे हैं आप। तो इसमें दोनों की रिमोट मिल जाती है, ब्लैक कलर की अपोस्ट्री मिल जाएगी कि दोनों रिमोट मिल जाती है आपको इसमें। लॉक अनलॉक कर सकते हैं अपनी गाड़ी को सिंपली। और इसका जीटा वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको स्मार्ट की मिलती है। और इसमें आपको MID की बात करें तो इसमें आपको कुछ वार्निंग लाइटें दी गई हैं, जैसा कि आपको देखिए किलोमीटर क्लॉक बताएगी, लो फ्यूल शो करेगी। कुछ वार्निंग लाइटें दी गई हैं जैसे कि माल फंक्शन की लाइट, सीट बेल्ट की लाइट, स्टीयरिंग व्हील पे ऑडियो कंट्रोल्स, फोनी कंट्रोल्स स्टीयरिंग व्हील पे दिए गए हैं। फ़ोन उठा सकते हैं डिस्कनेक्ट और साथ में ही ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से। इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है इसमें, इसमें आप CD/FM AM प्ले कर सकते हैं। CD/FM AM प्ले करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको इसमें।
और एसी कंट्रोल 1000 का स्विचेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो यूएसबी ऑक्स के ऑप्शन, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, दो कप होल्ड रखने का स्पेस मिल जाएगा। गियर लीवर 5/1 रिवर्स के साथ ब्लैक पियानो फिनिश के साथ मिलता है। हैंड ब्रेक लीवर क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। एक SRS एयर बैग और मिल जाएगा ड्राइवर साइड। ये आपका ग्लो बॉक्स जो बहुत ही बढ़िया स्पेसी है, और ये वाला डोर भी इनसाइड हैंडल क्रोम पे मिल जाते हैं। पावर विंडो, बॉडी कलर, इनसाइड हैंडल आप देख रहे हैं मिल जाते हैं आपको इसमें। बोट रखने का स्पेस दिया गया है, साथ में स्पीकर मिलते हैं, टोटल 4 स्पीकर मिलते हैं इसमें। और यहाँ पे कंसोल पे भी आपको बॉडी कलर मिल जाता है, सनवाइजर और साथ में ही रीडिंग लैम्प, ब्लूटूथ माइक मिल जाएगा। IRVM डे नाइट है, ड्राइवर साइड सनवाइजर, वनेट्री मिरर के साथ दिया गया है, ग्रिप असिस्टेंट। तो फ्रंट डोर का इंटीरियर भी आपने हेडरेस्ट आपने देख लिए इसके, मिलते हैं चलते हैं रियर डोर के इंटीरियर में। ये रियर डोर का इंटीरियर है, इनसाइड हैंडल क्रोम पे दिए गए हैं। बोट रखने का स्पेस मिल जाएगा, स्पीकर मिलते हैं, हेडरेस्ट आपने देख लिए तो हेडरेस्ट इसमें दिए गए हैं। लेगरूम बहुत ही बढ़िया, लेगरूम की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको इस गाड़ी में, बहुत ही बढ़िया लेगरूम मिल जाता है। बोतल रखने का भी स्पेस दे दिया गया है, यहाँ पे देखिए 1 लीटर की बोतल आप रख सकते हैं आसानी से। ये फ्रंट डैशबोर्ड की लुक है, मैं रियर पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूँ, कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में। तो ये फ्रंट डैशबोर्ड की लुक भी आप देख रहे हैं, और ये वाला डोर भी इनसाइड हैंडल क्रोम पे मिल जाता है। पावर विंडो, बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, साथ में स्पीकर मिलते हैं, और अपोस्टली आपको ब्लैक ही दी गई है, पूरी ब्लैक मिल जाती है। ग्रिप असिस्टेंट मिल जाएंगे लेफ्ट राइट में, टोटल 3 ग्रिप असिस्टेंट मिल जाते हैं इसमें आपको। इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स आपने देख लिए, बात करेंगे इसके लेंथ की तो इसमें आपको 3700 mm की इसकी लेंथ है, विड्थ है 1690 mm की, हाइट है 1595 mm की हाइट है। व्हील बेस है इसका 2435 mm का व्हील बेस है। बूट स्पेस इसमें आपको 260 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। माइलेज है इसकी 20.89 KMPL की माइलेज है, जो कि कंपनी क्लेम करती है। और इसमें आपको इंजन जो दिया गया है 1197 cc का इंजन दिया गया है। बात करेंगे पावर की तो 82 bhp की पावर मिलेगी आपको, 6000 rpm पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं 113 Nm की टॉर्क मिलेगी 4200 rpm पे। टर्निंग रेडियस है इसका 4.7 मीटर का टर्निंग रेडियस है, और ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। बात करेंगे सस्पेंशनों की तो इसमें आपको फ्रंट सस्पेंशन जो दिए गए हैं मैकफर्सन स्टड टाइप मिलेंगे, रियर सस्पेंशन जो दिए गए हैं आपको टोरिजन बीम टाइप मिलेंगे रियर सस्पेंशन। और बात कर लेते हैं अब इसके प्राइस की तो इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है वो जान लेते हैं। 5,99,000 इसका एक्सशोरूम प्राइस है, दिल्ली का प्राइस है ये। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 6,61,000 इसका ऑन रोड प्राइस है, दिल्ली का प्राइस है ये भी जो मैंने आपको बताया। तो ऑन रोड एक्सशोरूम ऑन रोड दोनों प्राइस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। तो यही था इस वीडियो में, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।